अग्रवाल साहब, क्या हुआ? आप लग लग के इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हैं? कंफ्यूज नहीं हूँ बिना जी, मैं हैरान परेशान हूँ, क्योंकि जो मैं किचन में देख कर आ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ उसको देखने के बाद मैं हंसू कि रोऊं। क्यों क्यों क्या देख लिया आपने ऐसा? आपने किचन में ऐसा क्या देख लिया? अरे किचन में संजू और यारो सचमुच में भजिया तल रहे हैं। What? कितना मजा आया भजिया तलने में। यारो, संजू ने बड़े बड़े किक्के मजे लिए, लेकिन इतनी रात को इतने सारे भजिया खाने के मजे कभी नहीं लिए। तो और मजे लो, बस तुम खुश रहो, मुंह खोलो। आ यार, भजिया देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है, मन कर रहा है बाहर निकल के खा लूं। थैंक यू सो मच यारो। अच्छी लगी तो और खाओ, मुंह खोलो। आ नहीं नहीं, सिर्फ भजिया के लिए नहीं, मुझे इतने सारे हंसी के पल देने के लिए। मैं आज तक इतना नहीं हंसी। तुम्हें पता है, एक पल के लिए मुझे लगा हम एक्चुअल में किचन में सुहागरात मनाने वाले हैं। नहीं संजू, यारों ने इंटरनेट पे सर्च किया था तो उसे पता चला किचन में भजिया तल सकते हैं, लेकिन सुहागरात बेडरूम में ही मनती है। अच्छा? हाँ संजू, बहुत सारी हिंदी फिल्मों को स्क्रॉल करने के बाद यारों ने अब सीख लिया है कि सुहागरात कैसे मनाई जाती है। कैसे यारो? एक मिनट। संजू, आज हमारी सुहागरात है और हम वैसे ही सुहागरात मनाएंगे जैसे फिल्मों में हीरो और हीरोइन मनाते हैं। अमर ने भी ऐसे ही बताया। Are you ready? तू सोचता है ना, उतना भोला नहीं है अपना यारो, भूल देखकर तवा गरम कर रहा है, अभी प्यार की रोटी सेकेगा। लेकिन नहीं, तुझे उसे सेकने नहीं देना है। अटेंशन, ये तुम्हारा और ये यारों का, इसको करीब लाओ। इतना और पास। अब तुम ऐसे करो, देखो ये एक दूसरे को कैसे प्यार कर रहा है। और ऐसे ही प्यार करते 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 सुबह हो जाती है, सनराइज हो जाता है और सुहागरात मन जाती है। तुम्हें अच्छा लगा तो यारो रोज ऐसे ही सुहागरात मनाएगा। चिकी 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 सुहागरात मन रही है। यारो यारो यारो, तुम बहुत क्यूट हो, रोज से भी ज्यादा क्यूट हो। तुम्हारे साथ सच में बहुत मजा आ रहा है यारो, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो चलो फिर से करते हैं। कैसी आवाज आई इसमें से? इधर से नहीं, दरवाजे से आ रही है, वहाँ कोई है, देखो ना। ओ बहू रानी, बता बता के कितनी बार बताऊं कि तुम यहाँ की बहू हो, बहू रानी नहीं, जो चुपचाप अंदर आ गई और ऐसे दरवाजा बंद कर लिया। घर का इतना काम पड़ा है संजू, तुम यहाँ अंदर कैसे आ सकती हो? भजिया तल तल के जो ऐसी तैसी की है मेरे किचन की, उसे कौन साफ करेगा? मैं? मम्मी, किचन में भजिया तल तल के जो ऐसी की तैसी हुई है, उसे यारो ठीक कर देगा। यारो तू चुप कर, तुझे बहू और सास के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी जब घर में बहू आ जाती है ना, तो कर करके सारा काम सिर्फ बहू करती है, बहू। तो बहू रा इन्हें तो देखो, बहू काहे की बहू, ना लाज ना शर्म ना साड़ी ना घूंघट, बहू रानी। मम्मी ऐसे मत बोलो बहू रानी को, चिकी 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 करने के चक्कर में वो थक गई है। क्या करके? चिकी चिकी चिकी। वो छोड़िए मम्मी, वो बहुत थक गई है। कोई बात नहीं यारो, उसकी जगह किचन साफ कर देगा। और वैसे भी संजू और यारो अब एक टीम में हैं, जैसे आप और पापा एक टीम में हैं। मेरा बेटा तो बहुत भोला है संजू, इसलिए फंस फंस के तेरे जाल में फंस गया, लेकिन मैं नहीं फंसूंगी, कुछ ना कुछ तो करके रहूंगी। अब आप क्या सोच रही हैं?
कुछ भी मत सोचिए, चलिए किचन में जो ऐसी तैसी हुई है उसे साफ करते हैं। यारो, बहू आने के बाद मैं क्यों करूँ साफ? अरे कौन है इतनी रात को भाई? अरे 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 एक मिनट, इतनी रात को मेरे अंदर सुनामी की तरह कैसे घुसे चले आ रहे आप लोग? मतलब क्या आपका? टाइम पूछने आए हैं। ऐसा है नगरवाल साहब, आप घोड़ा बेच के ठो हो जाते हैं, पर हमको आपके घर की और भाभी जी की चिंता है। बताइए भाभी जी कहाँ हैं? अच्छा, क्या काम पड़ गया आपको भाभी जी से? भाभी जी के साथ हमारा पर्सनल काम। एक मिनट चतुर्वेदी साहब, उनकी देख रेख के लिए मैं यहाँ पर हूँ, उनकी चिंता आप मत कीजिए। आप ना लापरवाह इंसान है, आपके घर में चोर घुस गया आपको पता भी नहीं चला। थोड़ा सा ठोक करिए, अगर कहीं वो चोर भाभी जी को नुकसान कर दिया तो आपको फिक्र नहीं है, लेकिन हमको है। इसने अमर को कैसे देख लिया? मैं तो अमर को कितना छुपा कर लाया था, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। आप तो बोलो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चोर तो यारों के कमरे में घुसा, वहां जाके चेक करते हैं। अरे आप दोनों क्या खुसर बुसर कर रहे हैं? जो बोलना साफ बोलिए ना। हम यारों का कमरा चेक करना चाहते हैं क्योंकि हमको शक है कि चोर उसी के कमरे में है। आ जाओ। अरे एक मिनट, आप समझते नहीं है, आप लोग यारों के कमरे में नहीं जा सकते, इस घर में कोई छुपा हुआ भी नहीं है, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। देखिए सुबंधी जी, मेरी बेटी और दामाद को एक बार देख ले दीजिए, जरा फ्री में तसल्ली हो जाएगी। अरे आप समझते क्यों नहीं है गोगा जी, एक नए शादीशुदा जोड़े के कमरे में इतनी रात को जाना कोई अच्छी बात नहीं होती है, वो भी एक बाप के लिए। एक मिनट जरा, देखिए सुबंधी जी मेरी बात सुन लो, मैंने बेटी आपको फ्री में दी है, इसका मतलब ये नहीं हो आपकी हो गई है, समझे? मैं अपनी बेटी और दामाद को देख के रहूंगा, वो ठीक है कि नहीं ठीक है। अरे आप लोग इतना शोर मचा रहे हैं, अगर कोई चोर आया भी होगा तो कब का भाग गया होगा। अरे ये गधा उल्टे डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, घर से भागता क्यों नहीं है? प्रोफेसर साहब, चिल्लाने से ना सच्चाई छिप नहीं सकती है, और हम यारों के कमरे की तलाशी लेके रहेंगे। चलिए जी। एक मिनट, आपको यारों के कमरे की तलाशी लेनी है ना? हाँ जी। तो फिर पूरा घर ढूंढिए ना, कमरा क्यों यारों का, यहाँ से शुरू कीजिए, कीजिए यहाँ से शुरू। ये मम्मी जी को क्या होता जा रहा है, दिन ब दिन रूढ़ी होती जा रही है। ठीक है यहीं से लेते हैं। संजू कहाँ भाई? अब ये कैसा शोर है, फिर से कुछ नया बिखेड़ा चालू कर दिया इन लोगों ने। देखा मम्मी, यारों ने किचन एकदम साफ कर दिया, बिल्कुल चकाचक। देखा। आइए अब आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? गोगा, कोई मिला? हाँ मिला। है? नहीं, कुछ नहीं मिला। अब तो आपको तसल्ली हो गई ना, किस घर में कोई चोर वोर नहीं है। ये देखो, देखा चोर है यहीं पे, मुबारक हो। हाँ चोर है घर में। कहाँ चोर? कहाँ चोर? घर में भाभी जी। वही पूछ रहे हैं चोर कहाँ है। वो देखो, देखो रा चोर। चली तो तू यहाँ क्या कर रहा है नालायक? चोर पकड़ो। बीना जी, लगता है गधों ने गड़बड़ कर दिया सब। जानबूझ के नहीं मारा, गलती होगी उससे। सॉरी मम्मी जी, सॉरी। ओके ओके। बाप
बीना जी उसको रोकिए चतुर्वेदी को, वरना भांडा फूट जाएगा, कुछ कीजिए जल्दी। हाँ एक मिनट, चतुर्वेदी जी। जी भाभी जी। अरे भाग भाग के कहाँ भाग रहे हैं आप, जोर जोर के छोड़िए ना। अरे भाभी जी आप कहें और हम न माने, ऐसा कभी हुआ है? मैनू पता सी मेरी बेटी इस घर में सेफ नहीं है। पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ है। ओहो वैसे भी आप लोग खामखा टेंशन ले रहे हैं। अरे भाई चोर तो चोरी करने आए ही नहीं थे। मतलब यहाँ से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, वो चले गए ना, किसी की जान को कोई खतरा ही नहीं है। आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं, जस्ट रिलैक्स एवरीबॉडी, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। अरे भाभी जी ने हमारी जान बचाई है, थैंक यू भाभी जान। अरे भाभी जान बचाने के लिए थैंक यू, वेलकम। चलिए बीना जी अब तो सुबह होने को आई है, कम से कम सबके लिए चाय तो बनाइए। हाँ हाँ अग्रवाल साहब, सुबह की चाय भी मैं ही लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ जल्दी बनाइए, मेरी सुबह की चाय के पैसे बच जाएंगे। संजू यू लुक सो गॉर्जियस। यारो माय जानू, अब तैयार रहना क्योंकि हमारी शादी की तरह हमारी सुहागरात भी बहुत डिफरेंट होगी। संजू यारो को नहीं पता था कि तुम्हारा चेंज करना बाकी है, तुम कपड़े चेंज कर लो फिर यारो आ जाएगा। लेकिन यारो मैं तो तुम्हारी, अजीब है इससे क्या हो गया? बनिए का दिमाग और मियां भाई की डेयरिंग के साथ कोई भी धंधा मंदा नहीं पड़ सकता, पर धंधा चलाने के लिए दुकान खोलनी पड़ती है। अब तक दुकान क्यों नहीं खोली तुम दोनों ने? ए फिल्मेश्वरी अपनी जो फिल्मी फिलॉसफी है ना वो कहीं और जाके झाड़, एक वक्त पे एक ही काम हो सकता है, दो दो ने। मतलब ये है कि या तो हम फ्रेंड्स फास्ट फूड चला सकते या फिर संजू और यारो की चौकीदारी कर सकते। हाँ यार हमारी तो 24 घंटे की ड्यूटी लगा रखी है, ऊपर से चोर बन के जाओ पर पूरी रात भाग भाग के निकालो, और वो हमारे सोसाइटी का चौकीदार वैसे तो रात भर सोते रहता है साला, पता नहीं कल रात को किसने उसको ब्लैक कॉफी पिला दी, हमारे पीछे ऐसे भाग रहा था हमारी जान ही निकाल दी। बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है अमूरिटा। देखो टेंशन की घड़ी अब खत्म होने वाली है, अग्रवाल अंकल आज ही आरो से बात करने वाले हैं। हाय आरो। हाय। ये ना डेफिनेटली नई मुसीबत लाया है, आज रात को चोर तू बन रही है। यारो को लगता है कि संजू उससे नाराज हो जाएगी। क्यों? यारो तो बिना शर्ट के जाता है तो उसको शर्म आ जाती है, लेकिन संजू को बाथरूम में देख लिया तो उसको गुस्सा आया होगा, और जब उसको गुस्सा आया होगा तो वो नाराज हो गई होगी। मुझे लगता है इसको सब कुछ सही सही बताने का वक्त आ गया है। यारो देख जब से तेरी शादी हुई है ना अग्रवाल जी तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, तुझे कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिल पाया। ऐसी कौन सी बात है अमर? बात ये है कि देख हम सबको पता है कि तूने संजू को जाके ये बता दिया है कि तू रोबो है, लेकिन तू जैसा समझ रहा है ना वैसा नहीं है। यारो ने क्लियरली सीरियसली उसको बता दिया है कि यारो 100% रोबो है। यारो तूने तो उसे बताया है लेकिन उसे तेरे हर बार बताने पर यकीन नहीं होता ना, मजाक में लेती है वो तेरी इस बात को। ओके अगर ऐसा है तो अभी जाके उसको सब कुछ सच सच बता देता हूँ कि मैं एक असली वाला रोबो हूँ। यारो ऐसा मत करना, अगर संजू को सब कुछ पता चल गया ना तो तुझे जेल जाना पड़ेगा। सच के लिए यारो कुछ भी कर सकता है प्रेम। अरे बाबा यारो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन तेरे मम्मी पापा तेरे दोस्तों के बारे में तो सोच। सोच यारो सोच,
अगर संजू ने ये कम्प्लेन कर दी ना पुलिस को कि तेरे मम्मी पापा ने संजू की शादी एक रोबोट से करवाई है, तो धोखाधड़ी के केस में वो तेरे मम्मी पापा के साथ साथ हम सबको भी जेल में भिजवा देगी। हाँ। क्योंकि हमें तो पता था ना कि तू रोबो है। ओह माय गॉड, यार ऐसा कभी नहीं होने देगा टॉली। गुड, तो हम सबकी सेफ्टी के लिए तुझे ध्यान रखना है कि संजू को कभी पता ना लगे कि तू एक रोबो है। अगर संजू तेरे करीब आए और उसने तेरा शर्ट निकाल के तुझे छू लिया ना, तो उसे पता चल जाएगा कि तेरी पूरी बॉडी जो है वो मेटल की है, और फिर तेरे दोस्त और तेरी मम्मी पापा सब जेल चले जाएंगे। नहीं यारो, कभी भी ऐसा नहीं होने देगा। वो अपने मम्मी पापा और यारो के यारों को कभी भी जेल नहीं जाने देगा। तो यारो क्या करे? अगर संजू तेरे करीब आए तुझे छूने की कोशिश करे ना, तो तू ना जोर जोर से हंसने लग जाना जैसे जैसे तुझे गुदगुदी हो। कैसे? प्रेम टच। ओके, छुओ। यारो थोड़ा सा, तुमने कहा था कि जोर जोर से हंसना लेकिन थोड़ा कम जोर लगा ना बढ़िया। ओके, नोटेड, कॉपीड। अब यारो ऐसे ही करेगा, जब भी संजू पास आने की कोशिश करेगी यारो हंसेगा। अब प्रॉमिस कर, अगर संजू कुची कुची को करने के लिए तेरे करीब आएगी तो तू ऐसे ही उसे दूर भगाएगा। कमाल है ना यार, कितनी मुश्किल से तो संजू इस यारो के करीब आई थी, अब हम सब मिलके दूर भगाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उस पे कॉन्सेंट्रेट मत कर, कॉन्सेंट्रेट करके हम जेल नहीं जा रहे। संजू का मैसेज, यारो को जाना होगा। ऑल द बेस्ट। यारो हंस क्यों रहे हो? क्योंकि यारो को गुदगुदी होती है। अच्छा होती है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.